नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि उत्तर बिहार से पटना को जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती शुरू से ही रहा है। गंगा नदी की वजह से उत्तर बिहार के लोग पटना आने में मुश्किलों का सामना करते हैं, और पटना से अगर किसी को उत्तर बिहार जाना हो तो बड़ा दुरूह काम है। गांधी सेतु एक पुल था पहले, और इस पुल पर सालों भर मरम्मत का काम चलता रहता है, घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे। अब दूसरा जेपी सेतु बन गया दीघा में, लेकिन तब भी समस्या कम नहीं हुई है। जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर बिहार से कनेक्टिविटी पुअर होने की वजह से उनका कारोबार काफ़ी प्रभावित हो रहा है। तो एक अच्छी खबर है उत्तर बिहार के लोगों के लिए और उन कारोबारियों के लिए जिनका व्यापार उत्तर बिहार पर आधारित है, चाहे उत्तर बिहार से ही चलता है। गंगा नदी पर अब 4 नए पुल बनाने की योजना पर सरकार काम कर रही है। ये 4 पुल 24 लेन के होंगे। पटना महानगर के आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए पथ निर्माण विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में पटना आने के लिए या जाने के लिए अभी 6 लेन पुल हैं, लेकिन इसमें कार्यरत 4 लेन ही हैं। इनमें 2 लेन का दीघा का जेपी सेतु है और गांधी सेतु के पूर्वी हिस्से का 2 लेन का पुल शामिल है। गांधी सेतु के एक हिस्से का 2 लेन पुल अभी मरम्मत के कारण बंद है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार इसी महीने पश्चिमी लेन से आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन खराब खबर ये है कि पश्चिमी लेन से आवाजाही शुरू होगी तो पूर्वी लेन पर काम शुरू हो जाएगा। तो अभी भी आपको 4 लेन से ज़्यादा नहीं मिलेगा उत्तर बिहार जाने के लिए या उत्तर बिहार से पटना आने के लिए, तो ये समस्या है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार इसी महीने से जब पुल के 2 लेन शुरू होंगे तो दूसरे 2 लेन पर काम शुरू कर दिया जाएगा, और 6 लेन सुचारू रूप से कब तक काम करेंगे अभी तक ठीक कह पाना मुश्किल है। लेकिन अब सरकार योजना बना रही है कि 4 पुल बनाया जाए। पटना के शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए नए पुलों में सबसे पहले यही बनकर तैयार होगा। केबल पर टिका हुआ बिहार का यह सबसे लंबा पुल होगा, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, और शहर के चारों ओर बनने वाले रिंग रोड परियोजना के तहत पटना के शहरी क्षेत्र में ही 2 नए पुल बनेंगे। और एक जेपी सेतु के समानांतर तो दूसरा शेरपुर दिघवाड़ा के बीच होगा। ये दोनों पुल 4 लेन के होंगे। इन 2 पुलों के बनने से न केवल पटना बल्कि छपरा में 20 किलोमीटर से अधिक रिंग रोड का दायरा बढ़ जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इन दोनों पुलों का निर्माण भी इसी साल से शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। अगर ये सभी 4 पुल बन गए तो लोगों की मुश्किल बहुत आसान हो जाएगी, उत्तर बिहार से पटना की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर बिहार के लोग पटना आने से डरते हैं, पटना आने में उनके पसीने छूट जाते हैं, और पटना के लोग उत्तर बिहार आसानी से जाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जाम में फंसने का डर उनको सताता रहता है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।